हे पांडुनंदन, जब मनुष्य समस्त स्थावर जंगम प्राणियों में एवं मित्र अथवा शत्रु में समान दृष्टि कर लेता है, उस समय वह मेरा सच्चा भक्त होता है। क्रूरता का अभाव, अहिंसा, सत्य, सरलता तथा किसी भी प्राणी से द्रोह न करना, यह मेरे भक्तों का व्रत है। जो मनुष्य मेरे भक्त को श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करता है, वह चंडाल ही क्यों ना हो, उसे अक्षय लोकों की प्राप्ति होती है। फिर जो साक्षात मेरे भक्त हैं, जिनके प्राण मुझ में ही लगे रहते हैं तथा जो सदा मेरे ही नाम और गुणों का कीर्तन करते रहते हैं, वे यदि लक्ष्मी सहित मेरी विधिवत पूजा करते हैं तो उनकी सद्गति के विषय में क्या कहना है। अनेकों हजार वर्षों तक तपस्या करने वाला मनुष्य भी उस पद को नहीं प्राप्त होता जो मेरे भक्तों को अन्यास ही मिल जाता है। इसीलिए हे राजेंद्र, तुम सदा सजग रहकर निरंतर मेरा ही ध्यान करते रहो, इससे तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी और तुम परम पद का साक्षात्कार कर सकोगे। जो व्यर्थ की बातें बकते रहते हैं, वे मेरे भक्त नहीं शूद्र हैं, किंतु जो वास्तव में मेरे भक्त हैं, वे जन्म से शूद्र होने पर भी वास्तव में शूद्र नहीं हैं। भगवान भक्त ब्राह्मण के ही समान माने गए हैं, जो द्वादक्षर मंत्र के तत्व का ज्ञाता और निरंतर पंचयाम सेवा विधि को जानने वाला है, वह उत्तम भक्त है। जो होता बनकर ऋग्वेद के द्वारा, अथर्वायु होकर यजुर्वेद के द्वारा, उद्गाता बनकर परम पवित्र सामवेद के द्वारा तथा अर्थव वेदीय द्विजों के रूप में जो अर्थव वेद के द्वारा हमेशा मेरी स्तुति किया करते हैं, वे भगवान भक्त माने गए हैं। यज्ञ वेदों के अधीन है और देवता यज्ञ तथा ब्राह्मणों के अधीन होते हैं, इसीलिए ब्राह्मण देवता है। किसी का सहारा लिए बिना कोई ऊंचे नहीं चढ़ सकता, अतः सबको किसी प्रधान आश्रय का सहारा लेना चाहिए। देवता लोग भगवान रुद्र के आश्रय में रहते हैं, रुद्र ब्रह्मा जी के आश्रित हैं और ब्रह्मा जी मेरे आश्रय में रहते हैं, किंतु मैं किसी के आश्रित नहीं हूँ, मेरा आश्रय कोई नहीं है, मैं ही सबका आश्रय हूँ। हे राजन, इस प्रकार ये उत्तम रहस्य की बातें मैंने तुम्हें बताई हैं, क्योंकि तुम धर्म के प्रेमी हो, अब तुम इस उपदेश के ही अनुसार आचरण करो। यह पवित्र आख्यान पुण्यदायक एवं वेद के समान मान्य है। जो मेरे बताए हुए इस वैष्णव धर्म का प्रतिदिन पाठ करेगा, उसके धर्म की वृद्धि होगी और बुद्धि निर्मल, साथ ही उसके समस्त पापों का नाश होकर परम कल्याण का विस्तार होगा। यह प्रसंग परम पवित्र, पुण्यदायक, पाप नाशक और अत्यंत उत्कृष्ट है। सभी मनुष्यों को, विशेषतः क्षत्रिय विद्वानों को श्रद्धा के साथ इसका श्रवण करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इसे सुनता और पवित्र चित्त होकर सुनता है, वह निश्चय ही मेरे सायुज्य को प्राप्त होता है। मेरी भक्ति में तत्पर रहने वाला जो भक्त पुरुष श्राद्ध में इस धर्म का श्रवण करता है, उसके पितर इस ब्राह्मण के प्रलय होने तक सदा तृप्त बने रहते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, साक्षात विष्णु स्वरूप जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण जी के मुख से भागवत धर्मों का श्रवण करके इस अद्भुत प्रसंग पर विचार करते हुए ऋषि और पांडव लोग बहुत प्रसन्न हुए और सबने भगवान जी को प्रणाम किया
धर्मनंदन युधिष्ठर ने तो बारंबार गोविंद जी का पूजन किया। देवता, ब्रह्म ऋषि, सिद्ध गंधर्व, अप्सराएं, ऋषि, महात्मा, गुहा सर्प, महात्मा बालखिल्य, तत्वदर्शी योगी तथा पंचयाम उपासना करने वाले भगवान भक्त पुरुष जो अत्यंत उत्कंठित होकर उपदेश सुनने के लिए पधारे थे, इस परम पवित्र वैष्णव धर्म का उपदेश सुनकर तत्क्षण निष्पाप एवं पवित्र हो गए। सब में भगवान भक्ति उमड़ आई। फिर उन सब ने भगवान जी के चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और उनके उपदेश की प्रशंसा करके कहा, हे भगवान, अब हम द्वारका में पुनः आप जगत गुरु जी का दर्शन करेंगे। यूं कहकर सब ऋषि प्रसन्न चित्त हो देवताओं के साथ अपने अपने स्थान को चले गए। उनके चले जाने पर भगवान श्री कृष्ण जी ने सात्यकी सहित दारुक को याद किया। सारथी दारुक पास ही बैठा था। उसने निवेदन किया, हे भगवान, रथ तैयार है, पधारिए। यह सुनकर पांडवों का मुंह उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर आंसू भरे नेत्रों से पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जी की ओर एक टक देखने लगे, किंतु अत्यंत दुखी होने के कारण कुछ बोल ना सके। भगवान श्री कृष्ण जी भी उनकी दशा देखकर दुखी से हो गए तथा उन्होंने कुंती, धृतराष्ट्र, गंधारी, विदुर, द्रौपदी, महर्षि व्यास और अन्य अन्य ऋषियों एवं मंत्रियों से विदा लेकर सुभद्रा तथा पुत्र सहित उत्तरा की पीठ पर हाथ फेरा और आशीर्वाद दे वे उस राजभवन से बाहर निकल आए। फिर शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक नाम वाले चार घोड़ों से जुते हुए अपने रथ पर सवार हो गए। उस समय कुरु देश के राजा युधिष्ठर भी प्रेमवश भगवान जी के पीछे पीछे स्वयं भी रथ पर जा बैठे और दारुक को सारथी के स्थान से हटाकर उन्होंने घोड़ों की बांग डोर अपने हाथ में ले ली। फिर अर्जुन भी रथ पर आरूढ़ हो स्वर्ण दंड युक्त विशाल चंबर हाथ में लेकर दाहिनी ओर से भगवान जी के मस्तक पर हवा करने लगे। इसी प्रकार महाबली भीमसेन भी रथ पर जा चढ़े और भगवान जी के ऊपर छत्र लगाए खड़े हो गए। वह छत्र सो कमानियों से युक्त तथा दिव्य मालाओं से सुशोभित था। उसका डंडा वैदूर्य मणि का बना हुआ था तथा सोने की झालरें उसकी शोभा बढ़ा रही थी। नकुल और सहदेव भी अपने हाथों में सफेद चंबर लिए रथ पर सवार हो गए और भगवान जी के ऊपर डुलाने लगे। इस प्रकार युधिष्ठर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ने श्री कृष्ण जी का अनुसरण किया। तीन योजन अर्थात 24 मील तक चले आने के बाद भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने चरणों में पड़े हुए पांडवों को गले से लगाकर विदा किया और स्वयं द्वारका को चले गए। इस प्रकार भगवान जी को प्रणाम करके जब पांडव घर लौटे तो सदा धर्म में तत्पर रहकर कपिला आदि गौओं का दान करने लगे। भगवान श्री कृष्ण जी के वचनों को बारंबार याद करके वे मन ही मन उनकी सराहना करते थे। धर्मात्मा युधिष्ठर ध्यान द्वारा भगवान जी को अपने हृदय में विराजमान करके उन्हीं के भजन में लग गए, उन्हीं का स्मरण करने लगे और योग युक्त होकर भगवान जी का यजन करते हुए उन्हीं के परायण हो गए। हे जन्मेजय, इस प्रकार प्राचीन वैष्णव धर्म का यह उपदेश मैंने तुम्हें सुना दिया। यह परम पवित्र और पापों का नाश करने वाला है। भगवान विष्णु जी के बतलाए हुए
इस धर्म का निरंतर श्रवण करते रहो, इसी से तुम विष्णु जी के परम धाम को जा सकते हो। उनकी प्राप्ति के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है, नहीं है। अश्वमेधिक पर्व संपूर्ण हुआ। सारे बोलो भगवान श्री कृष्ण जी की जय। श्री गणेशाय नमः। संक्षिप्त महाभारत आश्रम वार्षिक पर्व अध्याय 383। माता कुंती आदि स्त्रियों का तथा भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर का धृतराष्ट्र और गंधारी के अनुकूल वर्ताव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। अर्थात अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी, उनके नित्य सखा नर स्वरूप नर रतन अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली माता भगवती सरस्वती और उसके वक्ता महर्षि वेद व्यास जी को नमस्कार करके असुरी संपत्तियों पर विजय प्राप्ति पूर्वक अंतःकरण को शुद्ध करने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। जन्मेजय ने कहा, हे ब्राह्मण, मेरे परपितामह महात्मा पांडव अपने राज्य पर अधिकार प्राप्त कर लेने के बाद महाराज धृतराष्ट्र के साथ कैसा वर्ताव करते थे। राजा धृतराष्ट्र अपने मंत्री और पुत्रों के मरने से निराशय हो गए थे। उनका ऐश्वर्य छिन गया था। ऐसी अवस्था में वे और यशस्विनी गंधारी देवी जी किस प्रकार जीवन व्यतीत करते थे तथा मेरे परपितामह ने कितने समय तक राज्य का उपभोग किया था, ये सब बातें बताने की कृपा कीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन, महात्मा पांडव राज्य पाने के अनंतर राजा धृतराष्ट्र को ही आगे रखकर पृथ्वी का पालन करने लगे। विदुर, संजय तथा ययुसु ये लोग सदा धृतराष्ट्र की सेवा में उपस्थित रहते थे और पांडव भी प्रत्येक कार्य में उनकी सलाह पूछा करते थे। उन्होंने 15 वर्षों तक राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा के ही अनुसार सब काम किए। वीर पांडव प्रतिदिन राजा धृतराष्ट्र के पास जा उनके चरणों में प्रणाम करते और कुछ काल तक उनकी सेवा में बैठे रहते थे। धृतराष्ट्र भी स्नेहवश पांडवों का मस्तक सूंघ कर जब उन्हें जाने की आज्ञा देते तब वे आकर और सब काम देखा करते थे। कुंती भी सदा गंधारी की सेवा में लगी रहती थी। द्रौपदी, सुभद्रा तथा पांडवों के अन्य स्त्रियां कुंती और गंधारी दोनों सासों की समान भाव से सेवा किया करती थी। राजा युधिष्ठिर बहुमूल्य शय्या, वस्त्र, आभूषण तथा राजा के उपभोग में आने योग्य सब प्रकार के उत्तम पदार्थ और अनेकों प्रकार के भक्ष्य भोज्य धृतराष्ट्र को अर्पण किया करते थे। किसी प्रकार कुंती देवी अपनी सास की भांति गंधारी की परिचर्या करती थी। महान धनुर्धर कृपाचार्य उस समय राजा धृतराष्ट्र के ही पास रहते थे। भगवान व्यास जी भी प्रतिदिन उनके पास जाकर बैठते और उन्हें प्राचीन ऋषि, देव ऋषि, पितर और राक्षसों की कथाएं सुनाया करते थे। धृतराष्ट्र की आज्ञा से धर्म और व्यवहार के समस्त कार्य विदुर जी ही देखते थे। उनकी अच्छी नीति के प्रभाव से राजा के बहुत तेरे प्रिय कार्य थोड़े खर्च में ही सामंतों अर्थात सीमा के राजाओं से सिद्ध हो जाया करते थे। वे कैदियों को कैद से छुटकारा दे देते और वध के योग्य मनुष्यों को भी प्राण दान देकर छोड़ देते थे।
किंतु राजा युधिष्ठर इसके लिए उनसे कभी कुछ नहीं कहते थे। राजा धृतराष्ट्र की सेवा में पहले की भांति ही रसोई के काम में निपुण अरालिक सूपकार और राग खंडविक मौजूद रहते थे। पांडव उन्हें बहुमूल्य वस्त्र और नाना प्रकार के हार भेंट करते थे। पीने के लिए मीठे मीठे शरबत और खाने के लिए भांति भांति के भोजन देते थे। भिन्न भिन्न देशों से जो जो राजा वहां एकत्रित होते थे, वे सब पहले की ही भांति राजा धृतराष्ट्र की सेवा में उपस्थित होते थे। कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा, नाग कन्या अलूपी देवी, चित्रांगदा, धृष्टकेतु की बहन तथा जरासंध की पुत्री, ये सब तथा दूसरी बहुत सी स्त्रियां गंधारी की सेवा में दासी की भांति लगी रहती थी। राजा युधिष्ठर प्रतिदिन अपने भाइयों को शिक्षा देते रहते थे कि धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों से वियोग हुआ है, तुम लोग कभी ऐसा वर्ताव न करना जिससे इनके मन में तनिक भी दुख हो। धर्मराज के ये अर्थयुक्त वचन सुनकर भीमसेन को छोड़ अन्य सभी पांडव उनकी आज्ञा का विशेष रूप से पालन करते थे। वीरवर भीमसेन के हृदय से कभी भी यह बात दूर नहीं होती थी कि जुए के समय जो कुछ भी अनर्थ हुआ था वह धृतराष्ट्र की ही खोटी बुद्धि का परिणाम था। इस प्रकार पांडवों से भली भांति सम्मानित होकर अंबिका नंदन राजा धृतराष्ट्र पूर्ववतः ऋषियों के साथ गोष्ठी करते हुए सुखपूर्वक समय व्यतीत करने लगे। वे ब्राह्मणों को देने योग्य श्रेष्ठ वस्तुओं का दान करते और कुंती नंदन युधिष्ठर उनके सब कार्यों में सहयोग देते थे। युधिष्ठर में क्रूरता का नाम भी नहीं था। वे सदा प्रसन्न रहते तथा अपने भाइयों और मंत्रियों से कहा करते थे कि राजा धृतराष्ट्र मेरे और आप लोगों के माननीय हैं। जो इनकी आज्ञा में रहेगा वह मेरा सुहृद है और जो इनके विपरीत आचरण करेगा वह मेरे दंड का भागी होगा। पिता, पितामह आदि की मृत्यु तिथि आने पर तथा पुत्रों और हितेशियों के श्राद्ध कर्म में महामना राजा धृतराष्ट्र जितना धन खर्च करना चाहते थे उतना ही करते थे। वे पूजनीय ब्राह्मणों को उनकी योग्यता के अनुसार बहुत सा धन देते थे और युधिष्ठर, भीम, अर्जुन तथा नकुल, सहदेव उनका प्रिय करने की इच्छा से सब कामों में उनका साथ देते थे। उन्हें सदा इस बात की चिंता बनी रहती थी कि पुत्र पोत्रों के वध से पीड़ित हुए बूढ़े राजा धृतराष्ट्र हमारी ओर से कोई शोक का कारण पाकर कहीं अपने प्राण न त्याग दें। अपने पुत्रों की जीवित अवस्था में उन्हें जितने सुख और भोग प्राप्त थे वे अब भी उन्हें मिलते रहें। इस बात का पांडवों ने पूरा प्रबंध किया था। इस प्रकार के शील और वर्ताव से युक्त होकर युधिष्ठर आदि पांचों भाई धृतराष्ट्र की आज्ञा के अधीन रहते थे। धृतराष्ट्र भी उन्हें परम विनित अपनी आज्ञा के अनुसार चलने वाले और शिष्य भाव से सेवा में संलग्न देखकर पिता की ही भांति उनसे स्नेह रखते थे। गंधारी देवी ने भी अपने पुत्रों के निमित्त नाना प्रकार के श्राद्ध कर्मों का अनुष्ठान करके ब्राह्मणों को उनकी इच्छा के अनुसार धन दान किया और ऐसा करके वे पुत्रों के ऋण से मुक्त हो गई। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठर इस प्रकार अपने भाइयों सहित राजा धृतराष्ट्र के आदर सत्कार में लगे रहे। धृतराष्ट्र ने पांडुनंदन युधिष्ठर का कोई भी ऐसा वर्ताव नहीं देखा जो उनके मन को अप्रिय लगने वाला हो। पांडवों का सद्वर्ताव देखकर अंबिका नंदन धृतराष्ट्र
उनके ऊपर बहुत प्रसन्न रहते थे तथा राजा सुवल की पुत्री गंधारी देवी भी उन पर अपने सगे पुत्रों जैसा स्नेह करती थी। राजा धृतराष्ट्र अथवा तपस्विनी गंधारी देवी छोटा बड़ा जो भी काम करने के लिए कहती उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करके युधिष्ठर वह सारा कार्य पूर्ण करते थे। इससे राजा धृतराष्ट्र वह सारा कार्य पूर्ण करते थे। इससे राजा धृतराष्ट्र उनके ऊपर बहुत प्रसन्न रहते और अपने मंद बुद्धि पुत्र दुर्योधन को याद करके पछताया करते थे।